Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। हिंडनबर्ग पर आया मॉरिशस का भी रिएक्शन, अडानी ग्रुप और सेबी को लेकर कहीं दो टूक बात। नीतीश की मदरसा नीति के सपोर्ट में बीजेपी, नित्यानंद राय बोले केंद्र सरकार भी तो। पटना में बीजेपी नेता की हत्या, 22 सवार दो बदमाशों ने गोली मारी। इसराइल पर 11 महीने में दो बड़े हमले, क्या इस बार अमेरिका बनेगा रक्षक, कितनी है तैयारी। अलेक्सा मस्जिद में सैकड़ों यहूदियों के साथ घुसे इजरायली मंत्री, भड़का सऊदी अरब। गूगल पिक्सेल 9 सीरीज लॉन्च, 7 साल तक मिलेगा एंड्रॉइड अपडेट। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए हो रहे इस उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 22 अगस्त को नामांकन पे स्क्रूटनी होगी। मालदीव ने भारत को सौंपे 28 द्वीप, क्या होगा फायदा और कैसे गिरेगा चेन। मालदीव के 28 द्वीपों पर अब पानी सप्लाई और सेवा से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। तारीख पर तारीख, विनेश फोगाट केस में मिल रही है तो बस तारीख, अभिनव बिंद्रा बोले खेल लंबा है। लादो के भूत बातों से नहीं मानते, मुनव्वर फारूकी पर फूटा बीजेपी नेता का गुस्सा, कोकटी समाज के लिए कहे थे अपशब्द। जो होगा देखा जाएगा, मेरी भी बेटी और पोती है। कोलकाता कांड पर अपनी सरकार पर टीएमसी सांसद ने उठाए सवाल। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, बढ़ाई मुस्तैदी। पंजाब में अकाली दल को झटका, विधायक सुखविंदर सुखी आप में शामिल। अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ईडी को नोटिस। 4 साल बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक होगा, उसमें क्रिकेट होगा पर खेलने के लिए इंग्लैंड की टीम नहीं होगी। हालांकि बाकी देशों की टीमें वैसे ही खेलेंगी जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलती है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच का वेन्यू बदला, बीसीसीआई का बड़ा फैसला, ग्वालियर में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। अगले 3 दिन तक फिर पानी पानी होगा दिल्ली, हिमाचल से राजस्थान तक IMD का आया येलो अलर्ट। अजित पवार ने अपने एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। ये चर्चा होने लगी है कि क्या अजित पवार के महायुति को लेकर विचार बदल रहे हैं। लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ ने सेना पर हो रहे हमले को लेकर बुलाई बैठक, NSA समेत सभी बड़े अधिकारी मौजूद। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।